हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल और गुड़ के लड्डू, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इनको बनाना बहुत ही इजी होता है। चलो देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है तिल, गुड़ और घी। सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे ये जले नहीं। तिल को हम लगातार चलाते रहेंगे। मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। तिल हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी एक प्लेट में। पैन में मैं थोड़ा घी डालूंगी। अब इसमें गुड़ डालेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। गुड़ की हम चाशनी बनाएंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है। गुड़ की जो हम चाशनी बनाएंगे उसको हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अगर हम इसको ज़्यादा पकाएंगे तो तिल के लड्डू एकदम कड़े बनते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ी देर तक ही पकाएंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। गुड़ की चाशनी बनके तैयार है। गुड़ को हमें ज़्यादा नहीं पकाना था, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसमें तिल डालूंगी। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। तिल और गुड़ को मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। इसको मैं हल्का ठंडा होने दूंगी, फिर इसके लड्डू बनाऊंगी। हल्का ठंडा हो चुका है, अब मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। तिल और गुड़ के लड्डू बनके तैयार हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।